Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वयं तो प्रभा में आपका स्वागत है ये कंपनी लॉ का चौथा लेक्चर है जिसमें प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया था जिसमें मेमोरेंडम क्या होता है उसके क्या सेंशियल्स हैं क्या कंटेंट होंगे और उससे संबंधित केसेस उसके बारे में आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन उसके कंटेंट आवश्यकताएं, महत्व उसकी विशेषताएं, इनके बारे में डिस्कस किया था अब आज जो है विवरण के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉस्पेक्टस क्या होता है और इस टॉपिक में विवरण के बारे में उसके प्रॉस्पेक्टस क्या है उसके प्रोस्पेक्टस के क्या सेंसियल्स हैं क्या इम्पोर्टेंस है क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या प्रकार होते हैं एक प्रोस्पेक्टस दाखिल करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है क्या प्रॉस्पेक्ट होते हैं और प्रोस्पेक्टस में झूठे या भ्रामक कोई ऐसे मिथ्या या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो उसमें किन का दायित्व होता है और किन के प्रति दायित्व होता है तो इसके बारे में आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो है प्रवरण के बारे में डिस्कस करेंगे प्रवरण जो है जैसी कोई पब्लिक कंपनी इनकोऑपरेटिड होती है उसके बाद जो है प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी के जैसे इनकोपरेट हो जाती है इनकोपरेशन होने के तुरंत बाद जो है वो परोस्पेक्टस इशू हो जाता है एक निजी कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो ज़रूरी नहीं है जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो जरूरी है और जैसे ही कंपनी का निर्गमन हो जाता है तो ये मेनली जो है एक एडवर्टाइजमेंट होता है कंपनी का जिसमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो इसमें दी होती है इस तरह से प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है सारांश था विवरण कंपनी की संभावना या उसके क्या उद्देश्य हैं कैसे वो कैपिटल सब्सक्राइब करेगी तो इसके बारे में एक विवरणिका होती है जिसमें कंपनी की पूर्ण जानकारी जो है उस विवरण पत्र में दी जाती है जिसको विवरण कहते हैं अब कंपनी अधिनियम में प्रोस्पेक्टस की अवधारणा क्या है तो इस अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 में समझाया गया है और इसकी जो धारा 270 है इसमें प्रोस्पेक्टस को परिभाषित किया गया है प्रोस्पेक्टस को किसी भी दस्तावेज या रिकॉर्ड या इसको बोलें तो एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट है जो कंपनी अधिनियम में परिभाषित किया गया है इसमें जनता से इन्विटेशन्स जो हैं वो आमंत्रित किए जाते हैं जिसमें वो अपनी कैपिटल्स जो है वो इन्वेस्ट करें इसमें पूरी कंपनी की जानकारी होती है कंपनी क्या बिजनेस करेगी शेयर्स क्या होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी तो इसको कंपनी अधिनियम की धारा दो सत्तर में परिभाषित किया गया है और इसमें कंपनी के क्या असेट्स हैं क्या उसके शेयर्स हैं क्या डिबेंचर्स हैं तो ये पूरी जानकारी जो है इस प्रस्पेक्ट्स में दी जाती है अब किसी दस्तावेज को प्रस्पेक्टिस कहे जाने के लिए आवश्यक बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण है सबसे पहले जो है इसमें बताया गया कि, कि किसी भी दस्तावेज को प्रस्पेक्टस के रूप में माने जाने के लिए उसे दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए पहली जो है दस्तावेज को सार्वजनिक या पब्लिक सीएस या डिबेंचर्स की सदस्यता को आमंत्रित करना चाहिए या ऐसे जमा को आमंत्रित करना चाहिए ऐसा निमंत्रण एक प्रकार से परस्पेक्टिस जो है वो निमंत्रण या इन्विटेशन है कि वो जनता से या लोगों से पूंजी जो है वो इनवाइट करते हैं शेयर के माध्यम से और डिबेंचर के माध्यम से जिसे जो है वो प्रोस्पेक्टस कहा जाता है अब जो है प्रोस्पेक्टस क्या है इसको परिभाषित किया गया है कि प्रोस्पेक्टस वास्तव में उसका अर्थ क्या है प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स की को खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए जनता को जारी किया गया एक निमंत्रण है दूसरे शब्दों में कहें कि जनता को शेयर की बिक्री और डिबेंचर्स की बिक्री के लिए इश्यू किया गया एक निमंत्रण है जिसमें जो है उस निमंत्रण के या प्रोस्पेक्टस के आधार पर या एडवर्टाइजमेंट के आधार पर जनता जो है कंपनी से शेयर खरीदती है और वो शेयर जो है वो परस्पेक्टस में उनकी वैल्यू और ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जिसको अपन परस्पेक्टस बोलते हैं अब परस्पेक्टस का मतलब या अर्थ वास्तव में क्या होता है यह एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की संक्षिप्त विवरण या पूर्ण विवरण होता है कि कंपनी के असेट्स क्या हैं पूरी विस्तृत जानकारी क्या है क्या व्यवसाय करती है क्या व्यवसाय नहीं करती कौन डायरेक्टर है कितने सब्सक्राइबर हैं कितनी वैल्यू ऐसी है इसकी तो ये पूरा जो है वो परस्पेक्टिस में दिया होता है कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड है या कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के लिए तो ये सारा जो है उस प्रोस्पेक्ट्स में या निमंत्रण में मेंशन किया जाता है इसके बाद प्रोस्पेक्टस जारी करने के उद्देश्य क्या होते हैं अब कोई भी प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए तीन उद्देश्य दिए होते हैं पहला जो उद्देश्य इसमें मेंशन किया है कि जनता को ध्यान में लाना कि एक नई कंपनी बनाई गई है उसकी ये सेट्स है ये वैल्यू है तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें प्रोस्पेक्ट्स में मेंशन होती हैं दूसरी शर्त है कि उन शर्तों और आवंटनों को प्रमाणित रिकॉर्ड को संरक्षित करना जिन पर जनता अपने शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया हो मीन्स कि इसका उद्देश्य ये एक ये भी होता है कि जनता से शेयर के माध्यम से डिबेंचर के माध्यम से अपने असेट या इन्वेस्टमेंट कराना और पूंजी जो है वो एकत्रित करना ये मेन रूप से प्रोस्पेक्टस का एम होता है तीसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के निर्देशक प्रोस्पेक्टस में दिए गए बयानों के प्रति जिम्मेदार होंगे मीन्स कि जहाँ परस्पेक्ट्स इशू किया गया है तो जो प्रोस्पेक्ट्स में स्टेटमेंट उन्हें दिए गए हैं कि इतनी वैल्यू होगी इतने के लिए आपको प्रॉफिट होगा कंपनी के ही एसेट्स हैं और ये सारी जानकारी जो है उसमें मेंशन होती है अब इसमें कोई जानकारी में कोई गलती होती है चूक होती है तो उनके लिए जो है वो जो डायरेक्टर हैं या जिनने परोस्पेक्ट इशू किया है तो वो डायरेक्टली जो है वो लाइबल होंगे और उनकी एक जिम्मेदारी या जो है वो बनती है। नेक्स्ट बताया गया कि एक सही परस्पेक्टस की क्या आवश्यकताएं है होती हैं तो एक परस्पेक्टस की निम्नलिखित आवश्यकताएं है होती हैं सबसे पहला है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत ना किया गया हो परोस्पेक्टस में जो बातें लिखी गई हैं वो सही हो और तथ्य के आधार पर हो जितनी पूंजी है कंपनी की वो शेयर्स की जो रियल वैल्यू है वो मेंशन की हो जो रियल सब्सक्राइबर हैं वो उसमें मेंशन हो तो इस तरह से प्रोस्पेक्टिस में कोई ऐसी गलत जानकारी जो है वो मेंशन नहीं होनी चाहिए नहीं तो जो है इसके लिए वो स्वयं जिन्होंने इशू कराया है वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं दूसरी आवश्यकता इसकी प्रोस्पेक्टिस की ये होती है कि इसमें पूर्ण और ईमानदार खुलासे होने चाहिए कि एक प्रोस्पेक्टस इशू होने में कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो छुपाई नहीं जानी चाहिए यदि कोई ऐसी चीज़ छुपाई गई है प्रोस्पेक्टस में तो इसके लिए जो है वो जिन्होंने वो प्रोस्पेक्टस इशू कहा है तो वो व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे और उनके अगेंस्ट में सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज जो है वो अराइज़ होती है तीसरी इसकी आवश्यकता यह है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को मतलब जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंस हैं और जिन्होंने इन्वेस्ट करा है कंपनी में तो वो सारे मैटर्स जो है या फैक्ट्स जो है वो कंसील नहीं होने चाहिए परस्पेक्टिस में वो सारे फैक्ट्स जो है वो प्रोस्पेक्ट में मेंशन होने चाहिए तभी जो है उसकी आवश्यकता पूरी होती है चौथी जो इसकी आवश्यकता है कि गलत विवरण और असत्य कथन नहीं होने चाहिए कि जो आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा है उसमें कोई ऐसी गलत या मिथ्या जानकारी जो है आपको नहीं देनी होगी यदि कोई असत्य या गलत जानकारी जो है उसमें प्रोस्पेक्टस में दी जाती है तो उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं जिन्होंने वो प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो ये एक सही प्रोस्पेक्टस की आवश्यकताएं है होती हैं नेक्स्ट जो है प्रोस्पेक्टस की सामग्री क्या होगी या प्रोस्पेक्टस में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा एक परस्पेक्टस में निम्न चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है सबसे पहले कंपनी का नाम और पता तो ये फर्स्ट कंटेंट होता है एवरी परस्पेक्ट का कि सबसे पहले जो है कंपनी का नाम और पता सपोज कि जैसे कोई कंपनी है जैसे सालोमन एंड सालोमन कंपनी है तो ये कंपनी का नाम हो गया तो ये सही होना चाहिए उसमें मेंशन होना चाहिए और कंपनी का पता जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वो उसमें मेंशन होना चाहिए तो ये जानकारी जो है इसका फर्स्ट कंटेंट होता है कि नाम और पता जो है सही सही तरीके से उस प्रोस्पेक्ट में मेंशन होना चाहिए दूसरी जो इसका कंटेंट है कोई भी प्रोस्पेक्ट्स का वो कंपनी के उद्देश्य हैं जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था लेक्चर में कि कंपनी के कुछ उद्देश्य होते हैं तो कंपनी जो है किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है क्या व्यवसाय करती है और क्या पर्पज हैं उसके क्या उसके उपउुद्देश हैं तो वो सारे जो है उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए जो इसके लिए आवश्यक हो और इसकी जानकारी जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है उस कंपनी में तो वो उसको उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए दूसरा कंटेंट है कोई भी प्रोस्पेक्टस का तीसरा कंटेंट जो है कि ज्ञापन पर हस्ताक्षरताओं का पूरा विवरण होना चाहिए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन्स आपने मेंशन करा है उसमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सारे सब्सक्राइबर के साइन जो है उसमें होने चाहिए या उनकी संख्या जो है लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन मैनेजर हैं और उनके पूरे पर्टिकुलर्स कि उनका नाम क्या है पता क्या है रेसिडेंस क्या है एड्रेस क्या है वो सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए चौथा कंटेंट है कि जो निदेशक प्रबंध निदेशक या प्रबंधक आदि के नाम और पते कि कोई भी उस कंपनी का जो डायरेक्टर है निर्देशक है या प्रबंधक है मैनेजर है तो उनके नाम पूरे और उनके पते और उनके रेजिडेंस और सारी चीज़ें जो हैं उसमें मेंशन होनी चाहिए उस परस्पेक्टस में पांचवा जो इसका कंटेंट है शेयरों की संख्या और वर्ग कि मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन है मेंबर्स के लिए और मैक्सिमम कितना सब्सक्रिप्शन है मेंबर्स के लिए जो सब्सक्राइबर है उनने कितने शेयर जो हैं वो होल्ड करे हैं कंपनी की असेट्स क्या है वो सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए तो एक शेयरों की संख्या और उनके वर्ग क्या क्लासिफिकेशन प्रेफरेंशियल शेयर्स कितने हैं क्या वैल्यूज है फिर इसके बाद में इक्विटी शेयर्स कितने हैं उनकी क्या वैल्यू है यदि आप कोई पब्लिक जो है उसमें इन्वेस्ट करती है तो उसमें उनको क्या बेनिफिट होंगे तो ये चीज़ें जो है एक प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए चौथा है न्यूनतम सदस्यता इसमें जो है एक परस्पेक्टस में ये मेंशन होना चाहिए कि मिनिमम जो है मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए मतलब कितने शेयर से उसकी मिनिमम मेंबरशिप जो है वो कंप्लीट होगी तो ये भी एक परस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप जो है वो कितनी हो तो ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए सातवां जो इसका कंटेंट है कि एक निदेशक की योग्यता शेयर और निदेशकों का, का पारिश्रमिक कि कोई भी जो निर्देशक हैं उस कंपनी के उनके लिए क्या योग्यता है क्या क्वालिफिकेशनस है कितने मिनिमम सीयर्स है जो हैं वो होल्ड करेंगे तभी जो है उसके डायरेक्टर्स होंगे और एक निर्देशक को कितना पारिश्रमिक या रिम्योनरेशन होगा ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए तो इस तरह से ये सातवां उसका कंटेंट है जो एक प्रोस्पेक्ट में होना चाहिए आठवां उसका कंटेंट है आवेदन और आबंटन और काल पर देह राशि कि जो शेयर्स से हैं उनका अलॉटमेंट कैसे होगा क्या प्रक्रिया होगी उसका अलॉटमेंट कैसे होगा फिर जब उनने कोई शेयर्स ख़रीदे हैं तो उस पर कितना उनको रिटर्न होगा कितना उसको प्रॉफिट होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोस्पेक्ट्स में, में मेंशन होने चाहिए नेक्स्ट कंटेंट है कि जिन्होंने एक्सेप्टेंस दी है शेयर ख़रीदने के लिए तो उनके नाम जो है वो मेंशन होने चाहिए कि जिन्होंने कोई कंसेंट दी है उसको शेयर को ख़रीदने के लिए तो उनकी जो है वो कंसेंट जो है परोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए तो ये भी इसका एक कंटेंट है दसवा इसका कंटेंट है कि प्रारंभ भय की अनुमति राशि कि जो प्रिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे शेयर्स को ख़रीदने के लिए वो कितने होंगे तो वो भी चीज़ें जो है उसमें प्रोस्पेक्टस में मैंशन होनी चाहिए नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है कि कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और पते कि कंपनी के कौन कौन अकाउंटेंट हैं उनके क्या नाम है क्या रेसिडेंस है क्या पते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए एक प्रस्पेक्टस में इसके बाद नेक्स्ट जो इसका कंटेंट है भंडार और अधिवेश के बारे में विवरण कि कंपनी का क्या स्टोरेज है क्या अधिशेष है तो इसकी पूरा विवरण जो है वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए नेक्स्ट जो इसका कंटेंट है कि शेयर के विभिन्न वर्गों को वोटिंग राइट्स क्या होंगे कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या वोटिंग राइट्स होंगे तो ये इसमें प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना चाहिए कि कब मीटिंग होगी क्या इनको वोटिंग राइट्स होंगे तो ये सारी चीज़ें जो है उसका प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए नेक्स्ट जो है कंपनी के लाभ और हानि के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कि कंपनी को यदि कोई ऐसे प्रॉफिट हुए हैं प्रीवियस उसमें तो वो पूरी उनकी रिपोर्ट्स ऑडिटिंग हुई है वो उसकी रिपोर्ट जो है उसके साथ में सबमिट होनी चाहिए तो इस तरह से ये भी इसमें मेंशन होना चाहिए कंपनी को क्या लॉस या प्रॉफिट हुए हैं प्रीवियस ईयर में या उसके प्रीवियस ईयर में क्या लॉसेस हुए हैं तो ये सारी जानकारी जो है उसके साथ में मेंशन होना चाहिए उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी चाहिए नेक्स्ट इसका कंटेंट है कंपनी के लाभ और हानि और संपत्ति एवं देनदारियों के संबंध में चार्टर अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट कि ये भी उसमें जानकारी होगी कि कंपनी की क्या असेट्स है क्या उसकी देनदारियाँ हैं क्या उसको लोन्स देने हैं तो ये भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए और उनकी एक रिपोर्ट जो है जो अकाउंटेंट ने प्रिपेयर करी है वो भी उसके साथ में सम्मित होनी चाहिए तो इस तरह से एक प्रोस्पेक्टस में ये कंटेंट होने चाहिए जो इसमें मेंशन है नेक्स्ट है परस्पेक्टस के बदले में वक्तव्य जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं प्रोस्पेक्टस इन ल्यू कि प्रोस्पेक्टस के बदले में एक शॉर्ट या संक्षिप्त जो है स्टेटमेंट देना कि जहाँ परस्पेक्टस इशू नहीं किया गया है तो उसकी जगह पे एक प्रोस्पेक्टस इन ल्यू या एक स्टेटमेंट जो है वो कंपनी जारी करती है जिसको अपन प्रोस्पेक्टस इन ल्यू बोलते हैं कि प्रत्येक इसको जारी करती है या प्रस्पेक्टस के बदले में विवरण दाखिल करती है कि जहाँ पर डिटेल प्रोस्पेक्टस उसको जारी नहीं करना है तो उसके बदले में एक स्टेटमेंट जो है वो जारी करती है अब निजी कंपनी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कोई प्राइवेट कंपनी है उसके लिए जो स्टेटमेंट एंड लीव है वो जारी करना जरूरी नहीं है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए जो है वो पब्लिक से वो पूंजी सब्सक्राइब नहीं करती तो उसके लिए जो है एक स्टेटमेंट एंड लीव जो है वो जारी करना ये मैंडेटरी है फॉर दी पब्लिक कंपनी की जो पब्लिक कंपनी होती है वो पर लीव जो है वो जारी करती है और सार्वजनिक कंपनी जैसी कोई प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है तो उस केसेस में उसको स्टेटमेंट इन लू जो है वो जारी करना पड़ेगा इसके बाद में जो है प्रोस्पेक्टस के बदले स्टेटमेंट के जो प्रावधान हैं वो कंपनी अधिनियम की धारा सत्तर में इसको परिभाषित किया गया है और उससे संबंधित प्रावधान जो है वो दिए गए हैं और इसको शॉर्ट में जो है वो जारी करते हैं कि जैसे सपोज कोई प्रोस्पेक्ट ल्यू जारी किया गया है तो उसमें जो है संक्षिप्त में कंपनी का नाम डिटेल क्या कंटेंट होंगे तो उसमें कितने सीएस जो हैं वो उसके हैं क्या उसको प्रॉफिट है क्या है तो ये शॉर्ट में जो है उसमें पूरा प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मेंशन करते हैं और इसके अलावा जो है कौन डायरेक्टर्स है उनके एड्रेस नेम पते तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंड व्यू में मेंशन होती हैं अब प्रस्पेक्ट्स का जो है वो एडवर्टाइजमेंट नेसेसरी है कंपनी एक्ट दो में कि जो धारा तीस है इसमें प्रोस्पेक्टस के विज्ञापन से संबंधित प्रावधान जो है वो मेंशन किए हुए हैं इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जैसी कंपनी इनकोऑपरेट हो जाती है अब इनकोऑपरेशन होने से नब्बे भीतर प्रत्येक पब्लिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा और कंपनी के शेयर पूंजी की राशि को इन्वाइट करने के लिए या डिबेंचर्स की राशि इनवाइट करने के लिए ये जो है प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट जरूरी है कंपलसरी है और ये नब्बे दिन के भीतर जो है वो जारी किया जाना चाहिए तो ये जो है प्रोस्पेक्टस का विज्ञापन जरूरी है नेसेसरी है जिसको धारा तीस में कंपनी अधिनियम में बताया गया है इसके बाद बताया गया है कि प्रोस्पेक्टस के क्या प्रकार होंगे प्रोस्पेक्टस के चार प्रकार बताए गए हैं पहला जो है सेल प्रोस्पेक्टस रेड हियरिंग परस्पेक्टस, संक्षिप्त परस्पेक्टस और डीम्ड परस्पेक्टस। तो सबसे पहले जो है सेल परस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल परस्पेक्टस क्या होता है सेल परस्पेक्टस को एक परस्पेक्टस के रूप में परिभाषित किया जाता है मींस ये कंपनी जो है वो स्वयं के लिए इश्यू करती है कि जो किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान कंपनी या बैंक द्वारा प्रतिविधियों के या अधिक मुद्दों पर प्रोस्पेक्टस में उल्लिखित प्रतिभूतियों के वर्ग के लिए जारी किया गया है कंपनी अधिनियम की धारा इकतीस के तहत सेल प्रोस्पेक्टस से संबंधित प्रावधान दिए गए मीन्स कंपनी को अपनी जो असेट्स है उसके लिए कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है तो वो सेल प्रोस्पेक्टस कहलाता है जहाँ पे कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो है वो पब्लिक से इशू नहीं करती दूसरा बताया गया रेड हीरिंग प्रस्पेक्टस रेड हीरिंग प्रस्पेक्टस वह परस्पेक्टस है जिसमें प्रतिभूतियों की कीमत की मात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि जैसे जो सेल प्रोस्पेक्टस में बताया कि वो डिटेल में नहीं होता शॉर्ट में होता है ऐसी रेड हेयरिंग जो प्रस्पेक्टस होता है इसमें प्रतिभूतियों की जानकारी डिटेल में होती है कि जब कोई कंपनी प्रतिभूतियों की पेशकश करने का प्रस्ताव करते समय प्रोस्पेक्टस जारी करती है करने से पहले रेड हेयरिंग प्रस्पेक्टस जारी कर सकती है इस प्रकार के प्रस्पेक्ट्स को सदस्यता सूची या ऑफर के खुलने से कम से कम तीन दिन पहले रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होगा जिसको रेड हेयरिंग परस्पेक्टस बोलते हैं तीसरा है संक्षिप्त परस्पेक्टस जिसे अपन शॉर्ट परस्पेक्टस बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू बोलते हैं संक्षिप्त परस्पेक्टस रजिस्ट्रार के समक्ष दायर परस्पेक्टस का सारांश होता है मीन्स के जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है आप डिटेल प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं कर सकते तो उसके लिए आप संक्षिप्त में प्रोस्पेक्टस बना लेते हो और वो जो है उसके समक्ष रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है इसमें प्रोस्पेक्टस की सभी जो विशेषताएं या फीचर्स हैं वो शामिल होते हैं एक संक्षिप्त परस्पेक्टस में परस्पेक्टस की सारी जानकारी संक्षिप्त में होती है ताकि निवेशक के लिए सभी उपयोगी जानकारी संक्षिप्त में जानना सुविधाजनक और त्वरित हो मीन्स के जहाँ पे कोई संक्षिप्त प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है तो उसमें ब्रीफ में कंपनी का नाम पते क्या कैपिटल है कितना उसका वैल्यू है क्या एसेट्स हैं तो ये सारी जानकारी जो है डायरेक्टर्स कौन होंगे मैनेजर्स कौन होंगे कंपनी की क्या एसेट्स हैं तो ये सारी जानकारी जो है इसमें शॉर्ट में इस परस्पेक्ट्स में मेंशन होती है चौथा जो इसका प्रकार है डीम प्रस्पेक्टस डीम प्रेस्पेक्ट्स को कंपनी की धारा पच्चीस ए के तहत परिभाषित किया गया है जब कोई कंपनी जनता को बिक्री के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश करती है कि जब उसको अपनी प्रतिभूतियाँ या असेट्स बेचनी हो तो उसके बदले में डीम्ड प्रस्पेक्टस जो है वो इशू करती है या प्रतिभूतियों का आवंटन करना हो या आवंटन करने के लिए सहमत होती है तो दस्तावेज को एक डीम प्रस्पेक्ट्स के रूप में माना जाता है जिसके माध्यम से जनता को बिक्री के लिए पेशकश की जाती है मींस जब कोई कंपनी को अपनी असेट्स बेचनी हो तो वहाँ पर जो है वो डीम प्रस्पेक्टस जो है वो कंपनी इशू करती है अब इसमें एक केस जो है वो मैंशन है सेवी बनाम कन्याकुलम्स पेपर मिल्स लिमिटेड के मामले में अदालत द्वारा यह माना गया कि जहां मौजूदा सदस्यों को दूसरों के पक्ष में त्याग करने का अधिकार दिया जाता है तो यह डीम परस्पेक्टस बन जाता है यदि संख्या पचास से अधिक है तो ये इस केस में निर्धारित किया गया था अब जो है परस्पेक्टस दाखिल करने और जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है तो आप प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि परस्पेक्टिस कैसे दाखिल किया जाएगा और उसको इशू कैसे किया जाएगा तो इसके लिए जो है कुछ चरण जो है वो निर्धारित किए गए हैं कि सबसे पहले जो है कोई परेस्पेक्टिस दाखिल करने या जारी करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है फर्स्ट जो है आवेदन फॉर्म कि सबसे पहले जो है आपको आवेदन फॉर्म मेंशन करना पड़ा जैसा कि धारा 33 के तहत कहा गया है कि प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र केवल तभी जारी किया जाता है जब उनके साथ प्रोस्पेक्टस की सभी विशेषताओं वाला एक ज्ञापन होता है जिसे संक्षिप्त प्रोस्पेक्टस कहा जाता है मीन्स एक आवेदन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा जब कोई भी ऐसी प्रतिभूतियाँ उसको बेचनी हो या उनके लिए बेचने के लिए आवेदन करना हो तो एक संक्षिप्त जो है प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा और उसके लिए एक आवेदन जो है वो किया जाएगा दूसरा जो है स्टेप उसकी कंटेंट क्या होंगे किसी सार्वजनिक कंपनी के प्रोस्पेक्टस को दाखिल करने या जारी करने के लिए उस पर हस्ताक्षर दिनांक होना आवश्यक है मीन्स कि जिन ने वो प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो उन सारे व्यक्तियों के द्वारा जैसे जो प्रोमोटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं या और जो रिस्पॉन्सिबल उसके मेंबर्स हैं तो वो सारे सब्सक्राइबर जो है उस प्रोस्पेक्टस पे साइन करेंगे और उसको जारी करेंगे और उस पर सिग्नेचर्स करने के बाद में उस डेट मेंशन करेंगे किस डेट को जो है परस्पेक्टस इशू करा है और वो प्लेस मेंशन करेंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 26 के तहत बताई गई सभी आवश्यकताएं और उससे संबंधित सारी जानकारी शामिल है तीसरा स्टेप रजिस्ट्रार के पास प्रतिलिपि दाखिल करना कि जैसे कोई कंपनी या जो प्रोस्पेक्टस है जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 26 उपधारा चार के तहत कहा गया है कि प्रोस्पेक्टस किसी कंपनी द्वारा या किसी की ओर से तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि प्रकाशन की तारीख या उससे पहले प्रोस्पेक्टस की एक प्रति रजिस्ट्रार को ना दे दी गई हो मीन्स कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय जो है एक प्रति जो है वो रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए तभी जो है वो एक परस्पेक्टस इशू या जारी कर सकते हैं जब तक परस्पेक्टस रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ उसके बाद ही वो परस्पेक्टस जो है वो जारी किया जाएगा तो एक प्रतिलिपि जो है सबसे पहले एक रजिस्ट्रार को देनी होगी उसके बाद जो है आप उसको परोस्पेक्टस को जारी कर सकते हो और ये प्राइवेट कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए जैसी कंपनी इनकोऑपरेट होती है वो अपना बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हैं और उनके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना या जारी करना ज़रूरी नहीं है चौथा स्टेप से प्रोस्पेक्टस का पंजीकरण धारा छब्बीस सात कंपनी अधिनियम 2013 में बताया गया कि प्रोस्पेक्टस के कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती है इस सेक्शंस के अनुसार कि जब रजिस्ट्रार प्रोस्पेक्टस पंजीकृत कर, कर लेता है और जब अनुभव की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं मीन्स कि जैसी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है प्रोस्पेक्टस और जो उसकी जितनी भी एलिमेंट है हैं एसेंशियल कंटेंट हैं या आवश्यकताएं हैं वो पूरी फुलफिल हो जाती है उसके बाद में रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर्ड कर लेता है अर्थात कंपनी अधिनियम 2013-26 के अंतर्गत प्रोस्पेक्टस में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित सहमति शामिल है कि जितने भी उन्हें उसको सब्सक्राइब किया है और साइन किया है उस परस्पेक्टस को जैसी वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी तो वो परस्पेक्टस जो है वो पंजीकृत हो जाएगा या पंजीकरण हो जाएगा उसका नेक्स्ट जो है पंजीकरण के बाद प्रोस्पेक्टस जारी करना कि जैसी प्रोस्पेक्टस पंजीकृत हो गया उसके बाद जो है वो प्रोस्पेक्टस नब्बे दिन के भीतर जो है वो जारी करना नेसेसरी है यदि नब्बे दिन के भीतर यदि कोई भी कंपनी ने प्रस्पेक्टस जारी नहीं किया तो वो परस्पेक्टस जो है वो शून्य माना जाएगा उसके बाद में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी और यदि कोई उसमें ऐसे मिस स्टेटमेंट या उसमें चूक करी गई है जारी करने में तो इसके लिए वो दंड के लिए प्रावधान भी उसमें कंपनी अधिनियम में, में मेंशन किए गए हैं तो ये जो है कुछ दाखिल करने की और जारी करने की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान बनाए गए हैं अब जो है पंजीकरण के बाद प्रोस्पेक्टस जारी करना कि जहाँ पे कंपनी का पंजीकरण हो गया है उसके बाद जो या रजिस्ट्रेशन हो गया प्रोस्पेक्टस का उसके बाद जो है वो प्रोस्पेक्टस को कंपनी जारी कर सकती है कि यदि रजिस्टार से पहले जिस दिन से कॉपी पहुँचाई गई है रजिस्टार के यहाँ उस दिन से नब्बे दिन के पहले प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया जाता है तो इसे अमान्य माना जाता है मीन्स बैलड नहीं माना जाता है और यदि जारी नहीं किया या चूक करी गई है या नहीं जारी किया गया तो उसके लिए भी दंड के प्रावधान बताए गए हैं अब खंड का अंतर्विरोध कि यदि कंपनी अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रावधान के उल्लंघन में कोई प्रस्पेक्टस जारी किया जाता है मीन्स जो सेक्शन 26 है यदि उसके जारी करने के लिए ऐसा उल्लंघन किया जाता है तो छब धारा छब्बीस नौ में दंड के प्रावधान जो है उसमें मेंशन किए गए हैं तो यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो पचास हज़ार रुपये तक का जुर्माना जो कि बढ़ के तीन लाख रुपये तक हो सकता है और यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के प्रोस्पेक्टस के बारे में पता है कि इस तरह के प्रोस्पेक्टस को धारा छब्बीस के उल्लंघन में जारी किया जा रहा है तो निम्नलिखित दंड के प्रावधान से वो दंडनीय होगा जिसमें तीन साल की सज़ा और पचास हज़ार का जुर्माना या अधिक से अधिक जो तीन लाख तक का जुर्माना उस पर इम्पोज़ किया जा सकता है तो ये धारा छब्बीस में पंजीकरण के बाद प्रोस्पेक्टस को जारी करना अनिवार्य है यदि कोई व्यक्ति जो है उसको जारी नहीं करता है, तो इसके लिए जो है वो सज़ा का और अर्थदंड का भी प्रावधान कंपनी अधिनियम में, में मेंशन किया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि यदि जारी नहीं करता है वो तो पचास हज़ार रुपये तक का फाइन और तीन लाख का अधिकतम फाइन और तीन साल तक की सज़ा जो है वो उसको हो सकती है उस व्यक्ति को इसके बाद बताया गया है कि नोक निर्गम की कोई भी पब्लिक कंपनी के लोक निर्गम से संबंधित इसमें प्रावधान बताए कि निर्गम से आशय जनता को प्रवरण के निर्गम से है लोक निर्गम मीन्स कि जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रोस्पेक्टस वो जनता को इनवाइट होना चाहिए जनता के लिए इश्यू किया जाना चाहिए तो उसको नोक निर्गम कहते हैं और ऐसे निर्गम जो है वो जनता से कैपिटल्स जो है वो इनवाइट करते हैं परंतु विवरण का निर्गमन जनता को किया गया है या नहीं प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो प्रोस्पेक्टस जनता को कब इशू माना जाएगा तो इसके कुछ मामले हैं या कोर्ट ने जो है इसमें डिसाइड करके बताया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में वो मामला जो है या प्रोस्पेक्टस माना जाएगा कि वो जनता को इशू किया गया है क्योंकि पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी के लिए वो प्रोस्पेक्ट जो है वो जनता को रिसीव किया जाना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक से फंड रेज करते हैं शेयर के माध्यम से या डिबेंचर के माध्यम से तो ये प्रत्येक मामले की जो परिस्थितियां हैं फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस हैं उस पर डिपेंड करता है अब इसमें जो है पहला केस बताया गया है कि प्रवरण जिस पर केवल व्यक्तिगत विवरण है मतलब ऐसा एक केस आया था जिसमें मेंशन किया गया था कि व्यक्तिगत विवरण उसमें मेंशन किया गया था पर्सनल स्टेटमेंट कि कुछ प्रतियां एक गैस कंपनी के अंशधारियों के मध्य वितरित की गई उसे जनता में विज्ञापित नहीं किया गया मीन्स पब्लिक में उसको इनवाइट नहीं किया गया उसमें यह कथन था कि केवल इसकी प्रति रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल की गई है यह निर्धारित हुआ कि विवरण जनता के अर्थों के लिए आमंत्रण था इसको जो है साउथ ऑफ इंग्लैंड नेचुरल गैस कंपनी बनाम पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड इसके मामले में निर्धारित किया और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये जो प्रोस्पेक्टस है वो जैसी रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट हो जाता है तो ये डीम्ड माना जाता है कि वो प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक के लिए इनवाइट है क्योंकि ये जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोई भी जो है इसको इन्वेस्ट कर सकता है भले इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो किया जाता है लेकिन जो है ये डीम्ड माना जाता है दूसरा केस है विवरण की दस प्रतियां जिस पर पूर्णतः निजी एवं गोपनीय लिखा हुआ था अब अंकित था और मुद्रित कराई गई इसकी 200 सौ प्रतियाँ केवल निर्देशक जो उसके कंपनी के थे उन्होंने रख ली और जो उनके रिश्तेदार और मित्र थे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो इस मामले में कोर्ट ने ये माना कि ये पब्लिक प्रोस्पेक्टस नहीं है या पब्लिक के लिए इन्विटेशन नहीं है प्रोस्पेक्टस का क्योंकि जो है वो केवल उन्हीं को उन्होंने वो सारी जो है उनके रिलेटिव को और ख़ुद को रखी तो वो पब्लिक के लिए इन्विटेशन नहीं था इसको इस केस में जो है वो निर्धारित किया गया था सेलबेल बनाम कम्बाइंड इस केस में इसको निर्धारित किया गया था और इसमें माना था कोर्ट ने कि ये पब्लिक जो है इन्विटेशन नहीं है इसके बाद तीसरा इससे संबंधित केस है जिसमें मेंशन किया हुआ है लेस वर्सेस लिंडे इसके केसेस में कंपनी के संचालक द्वारा एक प्रलेख विवरण के रूप में तैयार किया एक स्टेटमेंट जो है वो विवरण के रूप में तैयार किया तथा इस पर पूर्णता निजी एवं गोपनीय शब्द जो है वो अंकित था इस प्रलेख में कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण नहीं था कि जो एक प्रोस्पेक्टस में संपूर्ण विवरण जो है वो कंपनी के बारे में मेंशन था तो वो इसमें नहीं था इसे जनता के बीच विज्ञापित नहीं किया गया कंपनी के सह संचालक द्वारा इसे अधिवक्ता को भेजा गया अधिवक्ता ने इसे अपने मक्किल को जो इसके क्लाइंट थे उनको जो है वो वो पूरा प्रोस्पेक्टस जो है वो दे दिया तो इसको कोर्ट ने ये अभी निर्धारित किया कि ये जो प्रोस्पेक्टस था या स्टेटमेंट था वो पब्लिक इन्विटेशन नहीं माना जाएगा तो इसके बेसिस पे ये कोर्ट ने कुछ केसेस में डिसाइड किया कि एवरी परस्पेक्टस जो है वो पब्लिक के लिए इनवाइट होना चाहिए क्योंकि पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी है कि वो उस परस्पेक्ट्स को इशू करें या जारी करें जिसके लिए जो है जनता जो है अपने सेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करती है अपनी पूंजी जो है वो इन्वेस्ट करती है तो ये नेसेसरी है कि वो पब्लिक में इन्विटेशन हो और इसी के लिए इसमें मेंशन किया गया कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना नेसेसरी नहीं है जरूरी नहीं है इसके बाद मेंशन किया गया कि जहाँ पे कोई प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है या गलत जानकारी दी है तो उससे संबंधित बात कौन दायर कर सकता है ट्रिब्यूनल्स में या कोर्ट में बाद दायर कौन कर सकता है तो जहाँ किसी व्यक्ति ने प्रवरण पर विश्वास करके कंपनी से शेयर लिए हैं या डिबेंचर्स लिए हैं और उन डिबेंचर्स या उस प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी गलत या मिथ्या जानकारी दी है तो वहाँ पे जो है इन दशा में इन इन निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध बाद दायर किया जा सकता है ट्रिब्यूनल्स में जो है वो केस दायर किया जा सकता है या कोर्ट में जो है वो केस जो है वो दायर किया जा सकता है पहला जो है किसी कंपनी के विरुद्ध मीन्स के जहाँ पे प्रोस्पेक्टस इश्यू करा गया है और प्रोस्पेक्टस में जो है कोई ऐसी मिथ्या या गलत जानकारी जो है वो मेंशन करी गई है अब किसी व्यक्ति ने कंपनी में इन्वेस्ट करा है और कंपनी के इन्वेस्ट उसके बारे में कोई मिस स्टेटमेंट के बारे में उसको जो जिसने इन्वेस्ट करा उसको कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं तो वो कंपनी के अगेंस्ट में जो है वो सूट दायर कर सकती है क्योंकि ये लीगल एंटिटी है दूसरा है प्रत्येक निदेशक। अब ऐसे निदेशक जिसने प्रोस्पेक्टस इश्यू करते समय वो मिसस्टेटमेंट या मिथ्या स्टेटमेंट जो है उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन करे हैं या बड़ा चढ़ा के उसको पेश किया है उस प्रोस्पेक्टस को तो वो जो है वो उनके विरुद्ध भी बात दायर कर सकते हैं जिनको लॉसेस हुए हैं उससे तीसरा बताया गया प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम प्रस्तावित निदेशक के रूप में विवरण में मेंशन था कि ऐसे निर्देशक जिनका नाम विवरण इशू करने में मेंशन था या जब विवरण इशू करा गया था उनके नाम मेंशन थे तो वो प्रत्येक व्यक्तियों के अगेंस्ट में या निर्देशकों के अगेंस्ट में वो बात दायर कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति जिनको वो लॉसेस हुए हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से चौथा प्रत्येक प्रवर्तक ऐसे प्रवर्तक जिन्होंने वो स्टेटमेंट जो है वो या प्रोस्पेक्टस इशू करा है और जिन्होंने वो कोई ऐसे मिथ्या या गलत जानकारी जो है उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन करी है तो इसके बेसिस पे उसके अगेंस्ट में भी जो प्रमोटर्स होंगे उनके अगेंस्ट में भी सूट फाइल किया जा सकता है या केस दायर किया जा सकता है पांचवा प्रत्येक व्यक्ति जो प्रवरण निगमित करने के लिए अधिकृत थे मींस एवरी पर्सन जिन्होंने वो प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके लिए उत्तरदायी होंगे जिन्होंने वो गलत जानकारी जो है वो इस स्टेटमेंट या प्रोस्पेक्टस में दी है या मिस स्टेटमेंट किए हैं या मिसरीप्रजेंटेशन किया है उस प्रोस्पेक्टस में तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसके लिए दायी होंगे चौथा बताया इसमें बताया गया नेक्स्ट कि सबूत का भार किन पे होगा मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किन पर होगा किसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मिस स्टेटमेंट जो है वो उसमें दिए हुए हैं तो जिसको वो शेयर जो है वो आबंटन हुए हैं या जिनको लॉस हुआ है उन शेयरों के आवंटन से जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन थे तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बात दायर कर सकते हैं या उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा और उनको जो है वो निम्नलिखित चीज़ें जो है वो प्रूफ करनी पड़ेंगी पहला कोई तथ्य गलत ढंग से भ्रामित करते हुए उसमें प्रोड्यूस करे गए हैं तो वो तथ्य जो है वो प्रूफ करेगा कि इन तथ्यों से उसको ऐसे लॉसेस हुए हैं तो वो सारी जानकारी जो है वो उसको प्रूव करेगा दूसरा वह महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं जिनके कारण से वो उनको लॉसेस हुए हैं तो वो भी उसको प्रूफ करना होंगे कि इन कारण से उसको लॉसेस हुए हैं तीसरा कोई गलत कथन पर कार्य किया हो कि ऐसे कोई स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए हैं जिनके बेसिस पे उसको लॉसेस हुए हैं तो वो सारे मिसस्टेटमेंट या गलत कथन जो है वो प्रूफ करने होंगे उसको इसके बाद चौथा इसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति हुई है कि जो मिसस्टेटमेंट उसमें दिए हुए हैं परस्पेक्ट में उस मिस स्टेटमेंट से उसको ये क्षति हुई है तो वो सारी चीजें भी उसको प्रूफ करनी पड़ेंगी तो ये सबूत का भार जो है वो हमेशा जिनको वो शेयर आवंटन या डिवेंचर आवंटन हुए हैं तो वो उसको प्रूफ करने पड़ेंगे नेक्स्ट बताया कंपनी के विरुद्ध उपचार कि जहाँ पे उसको लॉसेस हुए हैं तो उसको क्या उपचार हैं या क्या उसको रेमेडी है तो जिस व्यक्ति को अंश लेने में या मिस स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं उसमें जो है वो निम्न प्रकार से उपचार दिए गए हैं या निम्न प्रकार से उसको उपचार प्रोवाइड किए गए हैं पहला जो है कि जहाँ पे कोई ऐसे मिसस्टेटमेंट के कारण या कोई ऐसे उसने कांटेक्ट करे हैं प्रीवियस उसमें उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे जिसमें मिस स्टेटमेंट था तो वहाँ पे वो उस कांटेक्ट को रेपोडिएट कर सकता है या समाप्त कर सकता है तो ये पहला जो है उपचार उसमें दिया गया है दूसरा उपचार बताया गया है कि हर जाने के लिए दावा कर सकता है कि जब प्रोस्पेक्टस इशू करा था उस, उस प्रोस्पेक्टस इशू करने के बेसिस पे उस व्यक्ति को कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं या उस शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं तो वहाँ पे जो है वो हर जाने के लिए कंपनी के विरुद्ध में दावा कर सकता है या केस फाइल कर सकता है कि उसको ये सर्टेन लॉसेस हुए हैं और वो सारे लॉसेस जो है वो कंपनी को उस व्यक्ति को देने होंगे जिसको ये लॉसेस हुए हैं नेक्स्ट जो है कि संविदा के परित्याग का उपचार क्या होगा कि जहां पे कॉन्टेक्ट जो है वो रेपोडिएट हो गया है तो उसका क्या उपचार होगा उसके पास में जिसको वो लॉसेस हुए तो जहां किसी व्यक्ति ने विवरण पर विश्वास करके अंशों का क्रय किया है परंतु विवरण में असत्य या भ्रामिक कथन है जो कपटपूर्ण नहीं है तो वह संविदा का परित्याग कर सकता है रेपुडिएट कर सकता है कॉन्टेक्ट को यह अधिकार इस आधार पर मिला है कि महत्वपूर्ण तत्वों के असत्य कथन से प्रभावित संविदा व्यर्थनीय होती है मीन्स वेड होती है यह वह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परित्याग कर सकता है और अनुबंध के परित्याग पर अधिकार तभी उपलब्ध होगा जब निम्न चीजों को वो सिद्ध करेगा मीन्स जब कॉन्टेक्ट रेपुडिएट करेगा तो उसको निम्न चीजों को जो है वो सिद्ध करना होगा मीन्स प्रूफ करना होगा तभी जो है वो कॉन्टेक्ट रेपुडिएट कर सकता है कंपनी से पहला तथ्य है इसमें कि विवरण का निगमन कंपनी के अधिकृत या अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था सबसे पहले जो है है इसको ये कम, को करने से यदि करता है, तो उसको सबसे पहले सिद्ध करना होगा कि जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी के अथोराइज व्यक्ति के द्वारा इशू किया गया हो तभी जो है वो कॉन्टैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है के क्या उसको प्रोस्पेक्टस को सब्सक्राइब करने के पावर्स थे क्या वो प्रोमोटर था क्या वो डायरेक्टर था तो ये सारी चीज़ें जो है उसको प्रूफ करनी पड़ेंगी तभी जो है वो उस कॉन्टेक्ट को रेपोडेट कर सकता है दूसरा फैक्ट उसको प्रूव करना पड़ेगा कि कथन असत्य होने चाहिए कि सबसे पहले जो है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करा गया था उस प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट उसने दिए हैं वो सही नहीं है या गलत तरीके से उसमें जो है प्रस्तुत किया गया है तो ये जो है उस व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा तभी जो है वो उस कॉन्टैक्ट को रेपुडेज कर सकता है और प्रवण में असत्य कथन होना चाहिए चाहे वह कपटपूर्ण हो इनोसेंट हो या गलत उस समय जबकि महत्वपूर्ण तथ्यों का असत्य मिला हो या इसे छुपाया गया हो मीन्स या तो तथ्य छुपाए गए हो या असत्य विवरण किया गया तो इसको जो है उसको प्रूफ करना पड़ेगा भले वो तथ्य जो है उसने वो तथ्य इनोसेंट हो या वो हो तभी जो है उस कांटेक्ट को वो रेपोडिएट कर सकता है ठीक है तो जहाँ पे कोई ऐसे मिसस्टेटमेंट है तो उसको यदि प्रूफ हो जाता है तो वहां पे जो है जिसने उसको अथोराइज पर्सन से वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो कंपनी के प्रति बनती है तीसरी चीज़ उसको प्रूफ करने कथन महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जो मिसस्टेटमेंट है जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है वो प्रोस्पेक्टस जो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए मीन्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये नहीं कि छोटी मोटी कोई बात है और ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट दी गई है जिससे उसे वो ऐसे कोई लॉसेस नहीं हुए हैं जिसने इन्वेस्ट कराया कंपनी में तो वहाँ पे जो है वो कथन महत्वपूर्ण होने चाहिए और महत्वपूर्ण कथन होने के साथ साथ उसको लॉसेस होने चाहिए अब प्रवन में साथ असत कथन अंशों प्रपत्तों के क्रय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जैसे उसने कोई क्रय किए उस जो मिस स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे वो परचेज़ कर लेता है सी और उसके कारण से जो है उसको लॉसेस हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो कथन जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए तभी जो है वो उस कॉन्टैक्ट को रेपोडिएट कर सकता है पांचवा भ्रामक असत्य प्रवरण तथ्यों के विषय में होना चाहिए विधि के नहीं मीन्स जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो विधि की भूल के नहीं होनी चाहिए तथ्य की भूल के होने चाहिए तभी जो है उसके लिए वो लाइबल हो क्योंकि लॉ में जो है विधि की भूल जो है वो अछम्य है उसको एक्सक्यूज नहीं है उसका अब यहाँ पे ऐसे कोई मिस स्टेटमेंट दिए गए हैं जो फैक्ट से रिलेटेड हैं जो कंपनी के बारे में है या उसके जो असेट्स हैं या पूंजी है या उसके बारे में दिए गए हैं तो वो सारे असेट्स जो है उनको कंसील करा है यदि जो अथोराइज पर्सन है तो वहाँ पे जो है वो उसके भ्रामक तथ्य हैं वो रियल होने चाहिए Means, से संबंधित होनी चाहिए किससे तथ्य से, से संबंधित होनी चाहिए ना कि विधि से तभी जो है वो उस को कर सकता है चौथा बताया बताएगा संविदा के त्याग के लिए अंशधारी ने त्वरित कार्रवाई की इसके लिए अंशधारी को न्यायचित समय में तथा कंपनी के समापन के पूर्व कार्यवाही करनी चाहिए मीन्स कि जहां पे कॉन्टैक्ट को रेपोडेट किया जाना है कि सपोज जहां पे कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो आपने जो है उसके में कोई कार्रवाई नहीं किया आपने भी उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की तो वहां पे जो है अनुबंध के परित्याग के अधिकार से मुक्ति निम्न मामलों में प्रतिभूतियों को अनुबंध परित्याग का अधिकार नहीं होगा ये ती, तीन जो है वो कंडीशन हैं कि बिना कारण देरी से कि जहाँ पे कोई प्रबंधन की भ्रामिकता या सत्य कथन की जानकारी के बाद भी प्रतिभूतियों द्वारा उपयुक्त समय में कार्यवाही ना करने पर, परित्याग का अधिकार खो देता है मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी थी कि सपोज कोई मिस स्टेटमेंट है उसके कारण से आपको लॉस लॉसेस हुआ है अब लॉसेस के बेसिस पे आपने वो टाइम जो है वो निकाल दिया आपके पास में कोई टाइम नहीं हुआ है आपने कार्रवाई नहीं की उसके अगेंस्ट में तो जहाँ पे आपने अपने, अपने अधिकार को परित्याग किया कर दिया है तो वहाँ पे जो है फिर आप वो कॉन्टेक्ट्स को रेपोडिएट नहीं कर सकते दूसरा बताया गया स्वीकार करना कि जहाँ पे प्रवण की भ्रामिकता असत्य कथन के विषय में जानकारी होने के बाद यदि अंशदारी अंशों के क्रय की संविदा को स्वीकार कर लेता है कि चलो मिस स्टेटमेंट थे हमें वो जो कांटेक्ट किया है या अलॉटमेंट हुआ है वो स्वीकार है कोई बात नहीं तो वहाँ पे भी जो है वो उस कॉन्टेक्ट को रेपूडिएट नहीं कर सकते तीसरा है समापन का प्रारंभ कि सपोज़ कोई ऐसे मिस स्टेटमेंट है अब जब समापन का प्रारंभ होने वाला है कंपनी का बाइंडिंग अप होने वाला है उसके बाद में आप कोई ऐसा रेपुडेशन कॉन्टेक्ट के रेपूडेशन के लिए कोई बाद लाते हो तो वहाँ पे जो है उसका अधिकार आप खो देते हो कि रेपूडेशन बाइंडिंग अप के समय पे जो है आप उसका रेपुडेशन नहीं कर सकते कॉन्टैक्ट का इसके बाद जो है हर जाने का अधिकार किसको है अब हर जाने का जो अधिकार है कौन ले सकता है तो यहाँ पर कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि प्रोस्पेक्टस में कोई असत्य या भ्रामक स्टेटमेंट जो है उसमें दिए गए हैं तो जो पीड़ित पक्षकार है जिसको लॉसेस हुए हैं तो वहाँ पे जो है वो कंपनी के अगेंस्ट में हर जाने के लिए अधिकारी या वो व्यक्ति जो है वो कंपनी के अगेंस्ट में हर जाने के लिए अधिकारी है वह उपचार कंपनी के समापन पर जाने पर भी उपलब्ध रहता है लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पे इस केसेस में सबसे पहले जो देनदारी है वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स की होती है कि सबसे पहले बाइंडिंग अब के समय पे क्रेडिटर्स की देनदारी होंगी उसके बाद में जो है अनसिक्योर क्रेडिटर्स की उसके बाद में जो है वो शेयर होल्डर्स की ज़िम्मेदारी होगी और वह कंपनी के विरुद्ध हर जाने एवं अंशों की प्राप्ति एक साथ नहीं कर सकता जहां कंपनी में समापन का प्रारंभ होने के कारण परित्याग संभव नहीं है वहां हर जाने की कार्रवाई भी नहीं की जा सकती वहां पे वो उससे कोई हर हर जाना भी जो है उससे या लॉसेस जो है वो क्लेम नहीं कर सकता इसके बाद है संचालकों प्रवर्तकों तथा व्यक्ति विशेषों के विरुद्ध उपचार कि जहाँ पे कोई प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट किए गए हैं कोई भी व्यक्ति जिसने असत्य भ्रामक प्रवरण पर विश्वास करके अंश खरीदे हैं अंशों का क्रय किया है तो निम्न के प्रति जो है वो बात दायर कर सकते हैं उसमें पहला जो है प्रत्येक निर्देशक जिन्होंने वो मिस स्टेटमेंट या उसको सब्सक्राइब किया है प्रोस्पेक्टस को तो उन निर्देशकों के अगेंस्ट में वो बात दायर कर सकता है दूसरा जो है प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम प्रवरण में प्रस्तावक निर्देशक के रूप में दर्ज है प्रत्येक व्यक्ति जिसमें जिसका नाम प्रवरण के प्रस्तावक निर्देशक के रूप में उसमें दर्ज है और प्रत्येक प्रवर्तक प्रमोटर्स जो प्रमोट कर रहा है कंपनी को तो उनके विरुद्ध वो बात दायर कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति जो विवरण के निगमन के लिए अधिकृत था ऐसा व्यक्ति जिन्होंने वो प्रोस्पेक्टस जो है वो इनकोऑपरेट किया है रजिस्टर्ड किया है जिन्होंने जिसमें उसमें साइन किए हैं तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके लिए जिम्मेदार होंगे अब पीड़ित पक्षकार निम्न दावा जो है वो कर सकता है पहला जो है क्षतिपूर्ति क्लेम कर सकता है मीन्स डैमेजेस क्लेम कर सकता है कंपनी से कि कंपनी के निर्देशक प्रवर्तक या अन्य व्यक्ति जो प्रवर्ब को इश्यू करा है और ऐसे व्यक्ति जो प्रवरण के लिए मिस स्टेटमेंट के लिए जिम्मेदार हैं वे सभी असत्य कथन वाले प्रवरण से प्रेरित होकर अंशों का क्रय करने वाले व्यक्ति या जिनको लॉसेस हुए हैं तो उनके अगेंस्ट में कोई निर्देशक या प्रवर्तक या अन्य व्यक्ति जिन्होंने वो प्रोस्पेक्टस हुआ है तो उनसे वो डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं अब ये जो निर्देशक प्रवरण देखा है या नहीं इसका विवरण अधिकृत करना ही पर्याप्त होगा तो इसके लिए कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं कि जहां पे वो प्रूफ वो निर्देशक या डायरेक्टर्स या प्रवर्तक जो है वो जिम्मेदार नहीं होंगे पहली कंडीशन बताया है कि जहां पे वो सहमति वापस ले ली गई है सहमति को वापस लेना कि जहां पर निर्देशक आदि अपने दायित्व से मुक्त हो गया है स रिटायर हो गया है या उस कंपनी में नहीं है उस समय या ये सिद्ध हो जाता है कि प्रवरण जो है उसके सिग्नेचर से या वो अथराइज नहीं था उस समय या उसने वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा था तो इसके बेसिस पे जो है वो दाई नहीं होगा या उसके लिए कोई लाइबिटीज नहीं बनेगी दूसरी कंडीशन है बिना जानकारी के प्रवरण का निर्गम कि इस कंडीशन में निदेशक जो है वो या प्रवर्तक या अन्य व्यक्ति जिस वो दायी नहीं होगा कि यदि प्रवरण में उसकी सहमति के बिना जारी किया गया था यदि वो प्रूफ कर देता है कि प्रवरण जो या प्रोस्पेक्टस जो है वो उसकी सहमति के बगैर किया गया था तो वहाँ पे जो है वो व्यक्ति जो है उसके लिए दायी नहीं होगा तीसरा असत्य कथन की जानकारी ना हो कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसकी उसको जानकारी नहीं है और वो यदि प्रस्पेक्ट्स में मेंशन किया गया तो वहाँ पे भी वो व्यक्ति जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिसके कारण से उसको लॉसेस हुए हैं तो वहाँ पे जहाँ पे उसको असत्य कथन की कोई जानकारी नहीं है कि भाई मैं तो पता ही नहीं था कि ये, ये स्टेटमेंट जो है उसमें मेंशन है ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है जिसके कारण से उसको लॉसेस क्यों है और इसकी एक सार्वजनिक सूचना दे देता दे है कि मैंने ये परस्पेक्टिस जो है वो इशू नहीं करा है इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ तो वहाँ पर भी वो लाइबल नहीं होगा चौथा विश्वास करने का उचित कारण कि एक निदेशक कभी भी अपना बचाव कर सकता है यदि वह सिद्ध कर दे कि उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण था तथा अंशवार ऋण पत्र के आवंटन तक कथन के साथ होने का विश्वास था कि उसने जो है ऐसे सी या डिबेंचर्स जो है वो इशू नहीं करे हैं तो यदि वो गुड फेथ में प्रूव कर देता है कि ये मैंने जो है वो कंपनी के फेवर में या बेनिफिट्स के लिए वो इशू करे थे तो वहाँ वहां भी वो व्यक्ति जो है वो लाइबल नहीं होगा नेक्स्ट है विशेषज्ञ का कथन कि यदि एक निर्देशक तब भी दायी नहीं होगा यदि वह सिद्ध कर दे कि वह असत्य कथन योग्य या अनुभवी विशेष द्वारा प्रमाणित किया गया था तथा विशेषज्ञों ने अपनी सहमति वापस ले ली थी नहीं ली थी तो वहां पे भी वो इस केस में लाइबल नहीं होगा छठमा सरकारी प्रबलेख की सत्य प्रतिलिपि या नियोजक जो कंपनी के हैं वो तब भी दायी नहीं होंगे यदि वह सिद्ध कर दे कि कथन सरकारी प्रलेख की सत्य प्रतिलिपि के आधार पर किए गए थे तब भी जो है वो व्यक्ति जो है दायी नहीं होगा अब परस्पेक्टस में झूठे या भ्रामक बयानों के लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व कि सपोज जहां पे कोई ऐसा परस्पेक्टस इशू करा गया है क्योंकि एक पब्लिक पब्लिक दस्तावेज होता है जो सम्भाविक निवेशकों को किसी कंपनी के शेयर या ऋण दायित्वों की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है या इश्यू किया जाता है अब उस स्टेटमेंट में कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट किए गए या भ्रामक जानकारी दी गई है तो वहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं या जिन्होंने वो परस्पेक्टस इशू करा है तो उनके अगेंस्ट में कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज जो है वो उनकी बनती है नागरिक और आपराधिक दायित्व जो है उन व्यक्तियों का बनता है और जिन व्यक्तियों को कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं वो कोर्ट में जो है वो सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले जो है वो दायर कर सकते हैं अब कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी प्रोस्पेक्टस में पाई गई किसी भी अशुद्धि के लिए कुछ व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं और जिसके लिए वो सिविल सूट फाइल कर सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो फाइल कर सकता है और आपराधिक दायित्व भी उनका निर्धारित किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति जो गलत और भ्रामक बयानों वाले प्रोस्पेक्टस को जारी करने की अनुमति देता है वह कंपनी अधिनियम की धारा चार सौ सैतालीस के तहत उत्तरदायी होगा और उनके लिए दोनों प्रकार की जो प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जाएंगी कोर्ट में जिसमें वो सिविल भी कर सकता है और क्रिमिनल भी कर सकता है और वहाँ पे जो है वो सिविल जब कोई केस दायर करेगा तो उसमें जो उसको लॉसेस हुए हैं तो उसके लिए वो लॉसेस के लिए क्लेम कर सकता है कि सपोज उसको जितने लॉसेस हुए हैं वो प्लस जो उसका कोर्ट केस है या कोर्ट फीस है या अदर जो एक्सपेंसेस हैं तो वो भी उसमें हर जाने के रूप में उससे क्लेम कर सकता है और इसके बाद जो है वो पैरेलल जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकता है और वहाँ पर जो है एक क्रिमिनल कोर्ट में उसको जो इम्प्रेजमेंट है वो भी उस व्यक्ति को हो सकती है जिन्होंने वो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट या भ्रामक जानकारी जो है दिए हैं इसके बाद में प्रोस्पेक्टस में यदि वो गलत बयान दर्ज करता है कि किसी कंपनी की प्रतिभूतियों की सदस्यता लेने या खरीदने के लिए जनता जिस जानकारी पर भरोसा करती है वह एक प्रोस्पेक्टस में निहित होती है यदि कोई अशुद्धियाँ तो महत्वपूर्ण या झूठे भ्रामक बयान या गलत इंफॉर्मेशन जो है उस प्रोस्पेक्टस में दी जाती है तो इसके लिए जो है प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करा है वो व्यक्ति जो है उस प्रोस्पेक्टस के लिए या गलत स्टेटमेंट के लिए दायी होंगे नेक्स्ट गलत तरीके से लोगों से पैसा निवेश कराने के लिए सजा कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझ कर या लापरवाही से कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है और उसमें मिस स्टेटमेंट देता है तो उसके अगेंस्ट में बाद या कोई ऐसा केस जो है वो के अगेंस्ट में किया जा सकता है किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है कि सपोज कोई प्रोस्पेक्टस इशू कराया गया उस स्टेटमेंट के बेसिस पे वो दिया गया तो वहाँ पे जो है उसके अगेंस्ट में सिविल और क्रिमिनल जो है वो लाइबिटीज दी जाती है इनको जो है किस कंडीशन के प्रतिभूतियों के अधिकरण निपटान सदस्य हामीदारी के लिए दृष्टि से कोई ऐसा समझौता करवाता है या फिर कोई भी समझौता जिसका उद्देश्य दिखावा या प्रतिभूतियों की उपज से या प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव के संबंध में है कि उससे लाभ होंगे या ये सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएंगी इतना आपको प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे यदि कोई ऐसा निवेश कराने के लिए प्रेरित करता है तो उसके लिए भी कंपनी अधिनियम में सजा के प्रावधान बताए गए अब इसमें जो है उपचार बताया गया कि इस मुद्दे को अधिकृत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पचास हजार रुपये और दो साल की कैद जो उसको अनऑथराइज रूप से इन्वेस्ट कराने के लिए प्रेरित करेगा तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान कंपनी अधिनियम में किया गया है अब कंपनी अधिनियम के विरुद्ध उपाय तो इस तरह से ये पूरा व्याख्यान नंबर चार जो है वो कंप्लीट होता है जिसमें आज प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है अगले व्याख्यान में व्याख्यान नंबर पाँच में कंपनी अधिनियम के जो शेयर और डिबेंचर्स हैं उनके क्या मीनिंग है क्या प्रकार हैं डिबेंचर की क्या विशेषताएँ हैं उसकी निगमन इनकॉपरेशन्स कैसे होगा इश्यूज़ कैसे होंगे अलॉटमेंट कैसे होगा शेयर क्या है उसका अर्थ अंश डिबेंचर्स तो इस तरह से ये पूरा होता है अगले व्याख्यान में शेयर और डिबेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.